देश में कोरोना से मिलने लगी राहत, एक हफ्ते में 6% तक गिरी संक्रमण की दर। यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज भी बारिश का आसार, दिल्ली में टूटा 70 साल का रिकॉर्ड। अब महाराष्ट्र में कोरोना निगेटिव होने पर ही मिलेगी एंट्री, 48 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 2,76,000 नए मामले सामने, वहीं मौतों की संख्या में आई कमी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के डीएम से किया संवाद, कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय पर की चर्चा। अपर्णा यादव ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। यूपी के स्कूल और डिग्री कॉलेजों में आज से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू, कोरोना संक्रमित छात्र व शिक्षकों को छूट। यूपी के जिलों में तेजी से स्थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट, नोडल अफसर करेंगे मॉनिटरिंग। बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद विध्वंस को लेकर अखिलेश यादव ने की निंदा, कहा भाजपा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में सक्रिय। रामकथा कहने लगा, अयोध्या का राष्ट्रीय राजमार्ग लगाए गए भगवान राम की बाल लीला के चित्र। अमेरिका का भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के साथ बड़ा कदम, बिजनेस में फोरम का किया पुनर्गठन। दलगत राजनीति से मुक्त होकर यूएस ने की भारत की मदद, कोविड संकट में पीएम मोदी के प्रयासों की अमेरिकी सांसद ने की सराहना। सिंगापुर के पीएम ने कहा कोरोना स्थिति को नियंत्रण में रखने में ढिलाई नहीं बरत सकते। ताइवान जल संधि में घुसा युद्धपोत तो तिलमिलाया, चीन कुछ दिन पहले किया था ड्रैगन ने युद्ध अभ्यास। अमेरिका में भारतवंशी को 56 माह की कैद, पत्नी से मारपीट और अपहरण का मामला। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के कोच होंगे राहुल द्रविड़, 2014 में रह चुके हैं बल्लेबाजी सलाहकार। पहली बार डे नाइट टेस्ट खेलेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला, जय शाह ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमित पूर्व महिला क्रिकेटर की मां के लिए कोहली ने बढ़ाए मदद के हाथ, इलाज के लिए दिए 6,77,000 रुपए। भारत में 7 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन मुश्किल, पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर का बड़ा बयान। बीसीसीआई ने की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के सालाना करार की घोषणा, शेफाली वर्मा को मिला प्रमोशन। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए हेमा मालिनी ने अस्पतालों में लगवाई ऑक्सीजन मशीन, बेड की भी व्यवस्था। सपना चौधरी ने खेतों में कराया सिजलिंग फोटोशूट, हरियाणवी डांसर के लुक पर फिदा हुए फैंस। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी गौरी खान, इजराइल के प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की। तूफान टाकटे से बर्बाद हुआ जय देवगन की मैदान का सेट, 40 लोगों ने बचाने की कोशिश की। खतरों के खिलाड़ी से एक और कंटेस्टेंट आउट, इस बार बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट की हुई छुट्टी।